हेलो फ्रेंड्स, तो दिस इज गुंजा रैजा। इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू द इंट्रोडक्शन ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। नाउ आई विल बी गोइंग विद इंटरफेज। इंटरफेज को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज जी वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज। व्हाट इज जी वन फेज? दैट इज फर्स्ट गैप फेज। जी टू इज सेकेंड गैप फेज एंड एस फेज इज सिंथेसिस फेज। तो इस सब फेजेज में क्या क्या होता है? जी वन फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पोस्ट मतलब बाद में, माइटोटिक मतलब एम फेज। एम फेज के बाद वाला जो फेज होगा वो जीवन फेज होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जीवन फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। इस डायग्राम में हमने देखा था कि जो एम फेज के बाद जो फेज आता है वो जीवन फेज होता है, ठीक है? इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज इसीलिए कहते हैं। और जी टू फेज से पहले, जी टू फेज के बाद हमारी एम फेज आता है। मतलब जो जी टू फेज से जो एम फेज से पहले वाला फेज है, दैट इज मतलब जिसमें हम देखते हैं एम फेज से पहले वाला प्रोफेज जैसे फेज है जो, दैट इज जी टू फेज। तो जी टू फेज को प्री माइटोटिक फेज इसीलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि ये माइटोटिक फेज से पहले वाला फेज है, ठीक है? तो इन फेजेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जीवन फेज में सेल जो है अपना साइज इंक्रीज करेगा, अपने जितने भी उसके ऑर्गेनल्स हैं उनका डुप्लीकेशन होगा। सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स उसके सेल में प्रेजेंट होते हैं वो सब डुप्लीकेट होंगे। और जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है डीएनए के रेप्लीकेशन के लिए, वो सारी की सारी जीवन फेज में है सिंथेसाइज हो जाएंगी। डीएनए पॉलीमरेज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, वो सारे के सारे जो है जीवन फेज में, फर्स्ट गैप फेज में सिंथेसिस उनका हो जाएगा। क्योंकि एस फेज में हमने डीएनए का एप्लीकेशन करना है। एस फेज में सिंथेसिस फेज है। इसको हम सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल कट सिंथेसिस हो रहा है। डीएनए रेप्लीकेशन बहुत जरूरी चीज होती है। डीएनए का डुप्लीकेशन होना मतलब डीएनए डबल हो रहा है, यहाँ पर रेप्लीकेट हो रहा है, वो एस फेज में आता है। इसीलिए इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है? ये डीएनए रेप्लिकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद उसकी पैकिंग होनी होती है, जिसके लिए हिस्टोन की जरूरत होती है। और जो हिस्टोन फॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, वो न्यूक्लियस में नहीं होता है। ये छोटे छोटे बातें याद रखने वाली हैं, जिस अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आए हैं इससे, बट आ सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड साइटोप्लाज्म हिस्टोन का फॉर्मेशन होता है और इनसाइड न्यूक्लियस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रिओल फॉर्मेशन और डुप्लीकेशन भी जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। सेंट्रियोल्स का फॉर्म होना भी जरूरी है ना, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। आगे हम जानेंगे एम फेज में कि स्पिंडल फाइबर्स का क्या रोल है, सेंट्रियोल्स का क्या रोल है। तो ये एस फेज में हो गया। इस फेज के एंड में हम देखते हैं कि जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो चुका है, 2c से वो 4c हो चुका है, लेकिन जो क्रोमोजोम का नंबर है वो अभी भी सेम रहता है। दैट इज टू जो क्रोमोजोम नंबर है वो 2n से 2n ही रहेगा, लेकिन जो उसका डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, 2c से 4c हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस फेज। अब लास्ट फेज हमारे इंटरफेज का बचता है, दैट इज जी टू फेज। इसको प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों कहते हैं। और सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगी। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि सेल ग्रो करेगा, उसका डीएनए डुप्लीकेट करेगा, सेल डिवीजन होगा। इन सब फेजेस को हमने एक ऑफिशियल फेजेस में डिवाइड कर दिया। देखिए जैसे जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज। तो इन सब फेजेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड टू प्लॉइडी होते हैं। तो अगे मैं भी आपको प्लॉइडी के बारे में भी बता देती हूँ। दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन अकर्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स? वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। सारी चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी एम फेज की। तो एम फेज में मैं ये सब आपको बताऊंगी कि एम फेज में जो मेटाफेज स्टेज आती है, एनाफेज स्टेज आती है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स का क्या रोल है, सेंट्रियोल का क्या रोल है, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये सब तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए की पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं। एक बार इसकी प्लॉइडी के बारे में आपको बता दूं कि देखिए जीवन में प्लॉइडी 2n है, डीएनए कंटेंट 2c है। एस फेज में डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया लेकिन उसकी प्लॉइडी 2n ही है। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, एक वीडियो बनेगी इसके इससे रिलेटेड भी। और जी टू फेज में देखो प्लॉइडी 4c ही है और 2n रह गया। ये सब बातें याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? सो थैंक यू फ्रेंड्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट एम फेज, और एम फेज की भी हम प्रोफेज की बात करेंगे सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स।